हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपके लिए लाए हैं डे फाइव ऑफ जेई एडवांस के क्वेश्चंस। कुछ अच्छे पांच सवाल मैंने सेलेक्ट किए हैं रीसेंट ईयर से पीछे तक, और फिर कोशिश की करेंगे कि इसके जल्दी से जल्दी आपको सोल्यूशन दे पाएं। स्पीड थोड़ा तेज है। मैं फिर से याद दिला दूं, ये जो सेशन है ये एंटरटेनिंग कम होते हैं क्योंकि इसमें एडवांस की बात होती है। ये उन्हीं बच्चों के काम आते हैं जो बच्चे कॉन्सेप्चुअली एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंच चुके हैं, इसलिए एंटरटेनमेंट की उम्मीद नहीं करें। इसमें वही लोग बैठे जो लोग सचमुच जेई एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व होते हुए देखना चाहते हैं। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर वन, ये सवाल अभी रिसेंटली आया है 2020 में, और इस क्वेश्चन में एक ऐसा स्फेरिकल फुटबॉल फंसा हुआ है, यहां बीच में इंक्लाइन प्लेन पे एक होल है, उसमें बैठा हुआ है। कंडीशन ये होती है एक टॉपलिंग की, क्योंकि ये होल में फंसा हुआ है और आपको इंक्लाइन प्लेन धीरे धीरे टिल्ट करना है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पॉपुलर भी होते हैं, इसमें टॉपलिंग के कई बार कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं, और उसको हम लोग बात करते हैं। मान लीजिए ऐसे इंक्लाइन प्लेन पे कोई ऑब्जेक्ट रख दूं जिसमें इंक्लाइन प्लेन का एंगल ग्रेजुअली इंक्रीज करूं, बट यहां पे इतना ज्यादा फ्रिक्शन या कोई ऑब्स्टिकल लगा दूं जिससे ये फिसल के नीचे नहीं आए, और धीरे धीरे एंगल बढ़ाते जाएं, तो एक मोमेंट ऐसा आएगा जिसमें ये ऑब्जेक्ट अपने आप ऐसे टिप कर जाएगा, टॉपल कर जाएगा, पलट जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस का कई बार जिक्र हुआ है जेई एडवांस में। इस तरह के सवाल अभी इसमें स्फेरिकल शेप में दिया हुआ है और ये बीच में होल है, मतलब इंक्लाइन प्लेन कुछ ऐसा है जिसके बीच में एक छोटा सा होल है और उसके ऊपर एक थोड़ा बड़ा स्फीयर हमने ऐसे रख दिया, और ये थीटा एंगल का प्लेन है, और इस प्लेन को धीरे धीरे टिल्ट करते जाएंगे। इसमें हमेशा कंडीशन ये है कि अगर इस ऑब्जेक्ट का एमजी इस कॉन्टेक्ट पॉइंट के लेफ्ट से पास कर रहा है, यानी कि सरफेस के बियॉन्ड आगे बेस से पास कर रहा है एमजी, तो फिर टिप नहीं करेगा। लेकिन अगर एमजी इतना ज्यादा टिल्ट हो जाए कोई ऑब्जेक्ट कि एमजी इस कॉन्टैक्ट पॉइंट यानी बेस के बियॉन्ड चले जाए, तो एमजी का कंपोनेंट या एमजी इसको टिप करा देगा। तो आपको केवल यही देखना है कि टिपिंग वाली सिचुएशन में ये जो एमजी वाला फोर्स है, यहां पे मैंने एमजी वाली लाइन ये बनाई वर्टिकल लाइन, ये जो एमजी वाला ग्रेविटेशन फोर्स है ये इसी कॉन्टैक्ट पॉइंट कॉर्नर से पास करेगा जिस मोमेंट में वो टिप करना स्टार्ट करेगा। तो आपको बस यहां से एक वर्टिकल लाइन बनानी है और इसी कॉन्टैक्ट पॉइंट यानी जहां पे आखिरी बार कॉन्टैक्ट में आएगा। अब कोई ऑब्जेक्ट टिप करना चाहेगा तो इसी पॉइंट के अबाउट ही घूमेगा, टॉपल करना चाहेगा तो इस पॉइंट के अबाउट घूमेगा, यानी यहां से कॉन्टैक्ट छोड़ देगा। अगर पीछे वाले सर्फेस से कॉन्टैक्ट छोड़ देगा तो यहां का नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा, जो भी नॉर्मल रिएक्शन इसी पॉइंट से लगेगा। तो इसको करने के लिए मैंने सीधा ज्योमेट्री लगा दी। अगर ये पूरा एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है, तो यहां पे देखो तो ये एंगल भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल एक रेडियस से और एक ऐसे सब बेस के पैरेलल लाइन बना दे तो यहां पे एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। तो एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा जिस ट्रायंगल में ये कैपिटल आर है और ये वाला डिस्टेंस इसके इसके बेस के सर्कल का रेडियस है, ये स्मॉल आर है, और यहां पे एंगल थीटा बन रहा है। तो थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर हो जाएगा टिप कराने की कंडीशन। तो सीधा ज्योमेट्री से सॉल्व कर सकते हैं। चालाकि क्या है कि एमजी को उस कॉन्टैक्ट पॉइंट से पास कर दो जिस पॉइंट पर आखिरी बार यह कॉन्टैक्ट पे बैठा हुआ है, उसके बाद यह पलट जाना है। ठीक है, लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में ये एक बहुत ही इंटेलिजेंट सवाल है, ये लास्ट ईयर ही पूछा गया है। इसमें एक ऐसा एनुलर डिस्क बना हुआ है, ये बहुत फेमस एनुलर डिस्क है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है m बाई टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता तो हम लोग जल्दी से मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इसका सॉल्व कर लेंगे। तो लिखा है एनुलर डिस्क ऑफ मास m, इनर रेडियस a, आउटर रेडियस b इज प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल सर्फेस विद कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एज शोन इन द फिगर। एट सम टाइम इंपल्स j x कैप इज अप्लाइड एट हाइट h अबव द सेंटर ऑफ द डिस्क, h इज इक्वल टू एच एम, यानी एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ h रखने से, देखो फोर्स लगाने से ट्रांसलेशन जनरेट होता है और सेंटर के ऊपर फोर्स लगाने से रोटेशन जनरेट होता है। अगर ट्रांसलेशन ज्यादा जनरेट हो जाए तो यह डिब्बा आगे फिसल जाएगा, अगर रोटेशन ज्यादा जनरेट हो जाए तो बैकवर्ड इंग्लिश यानी बैकवर्ड स्लिपिंग होगी और यह पीछे की तरफ फिसल जाएगा, कॉन्टेक्ट पॉइंट पीछे फिसल जाएगा, रोटेशन ज्यादा का पीछे और धक्का ज्यादा लगा तो आगे। लेकिन बोल रहा है एक ऐसे जगह पर मैंने इसको फोर्स लगाया जिससे कि ये बिना फिसले रोलिंग करने लगा, देन द डिस्क
रोल्स विदाउट स्लिपिंग, ऐसा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही होगा जिस पॉइंट पे लगा हुआ फोर्स से जनरेटेड ट्रांसलेशन मोशन और बने हुए टॉर्क से जनरेटेड रोटेशन मोशन अपने आप बैलेंस हो जाए। यानी कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग बोलते ही v इज इक्वल टू r ओमेगा मैंने कर दिया, r ये वाला डिस्टेंस है कॉन्टैक्ट पॉइंट से, ठीक है। अब हमारे पास दो इक्वेशन बनानी है ये मानते हुए कि बिना फ्रिक्शन लगे, बिना स्लिपिंग हुए ये रोलिंग करना स्टार्ट किया, तो हम ट्रांसलेशन में इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम एम वी, इसके सेंटर का वेलोसिटी वी मान लेते हैं, एम वी लिख देते हैं, और वी को चाहो तो ओमेगा बाई बी लिख दो, कैसे भी जे इज इक्वल एम वी, ये ट्रांसलेशन वाली इक्वेशन हुई इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। और दूसरी इक्वेशन सेंटर से एच हाइट पर अगर इंपल्स लगेगा, ये जे नॉट इंपल्स मान लेते हैं, तो जे नॉट इंटू एच इज इक्वल टू आई सी एम ओमेगा माइनस जीरो, यहां पर भी लिख सकते हैं माइनस जीरो। ये दो इक्वेशन हो गई, एक हो गई एंगुलर इंपल्स इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम और लीनियर इंपल्स इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व कर देंगे, तो मैं यहां पे आई सी एम की जगह इसका वैल्यू एम बाई टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रख देता हूं। लेकिन मैं आपको थोड़ा लाइटली बताता हूं कि अगर ये ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला आंसर नहीं याद है तो इसको भी बहुत ही जल्दी आप सॉल्व कर सकते हो। तुरंत रेडियस आर पे जाके डीआर थिकनेस का एक पतला सा रिंग बनाओगे तो इस रिंग का डीएम मास हो जाएगा टोटल मास अपॉन टोटल एरिया इनटू छोटे से रिंग का एरिया टू पाई आर डीआर। क्योंकि ये रिंग डीएम मास की है इसलिए इसका सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डीएम आर स्क्वायर हो जाएगा, डीएम की जगह एम बाई पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और टू पाई आर डीआर, ये डीएम लिख दिया इंटू आर स्क्वायर हो गया, ये पूरा डीएम है तो आर और आर स्क्वायर मिलकर आर क्यूब हो जाएगा, आर क्यूब डीआर का इंटीग्रेशन आर का पावर 4/4, तो हम लोग ए से बी तक इंटीग्रेट करेंगे, पाई से पाई कैंसिल, 2m by b square minus a square, और यहां r raised to power 4/4, r cube है, तो b का power 4 minus a raised to power 4/4 ऐसा हो जाएगा, इसको a minus b, a square minus b square और a minus b से divide करें, 2 से 4 divide करें, तो m by 2, यहां बचेगा a square plus b square, तो ये तो हमारा moment of inertia ICM आ गया। अगर इसका value directly आपको पता है तो आप इसको डायरेक्टली यहां यूज कर सकते हो, v को b इंटू ओमेगा बोल सकते हो, m इंटू b ओमेगा, ये j नॉट लिख दिया। अब j नॉट की जगह यहां पे रख देते हैं वैल्यू, तो हमारा जो जवाब आगे चल रहा है वो j नॉट इंटू h इज इक्वल टू m बाय टू b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, जे नॉट की जगह एम बी ओमेगा इंटू एच इज एम बाई टू, यहां पर भी ओमेगा लिखा है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल कर दिया, एम से एम कैंसिल कर दिया, तो एच का वैल्यू हो गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू बी। अब ये जो आंसर है इसी से चारों ऑप्शन हम लोग तलाश लेंगे। जैसे लिखा है कि अगर a का वैल्यू टेंडिंग टू जीरो हो तो आंसर क्या होगा, तो हम अगर इसमें a का वैल्यू टेंडिंग टू जीरो डाले पहले ऑप्शन के लिए, a जीरो कर देंगे तो h का वैल्यू b आ जाएगा, ऐसे सॉरी b बाय टू आ जाएगा, आई एम सॉरी b बाय टू आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में लिखा है अगर a टेंडिंग टू b हो तो a की जगह b लिख देते हैं, तो हमारा दूसरा जवाब है a इज इक्वल टू b के लिए b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी एच एम का वैल्यू आ जाएगा 2b स्क्वायर बाई 2b यानी कि b आ जाएगा। तो यहां पे सेकंड ऑप्शन भी सही, फर्स्ट ऑप्शन भी सही। फिर लिखा है h इज इक्वल टू एच एम यानी वही वाला पॉइंट जिस पे स्लिपिंग नहीं हो रही, उस पॉइंट पे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डज नॉट चेंज ऑन द इनर रेडियस, डज नॉट डिपेंड ऑन इनर रेडियस a, ये भी ठीक बात लग रही है क्योंकि हम लोग ओमेगा का वैल्यू लिख रहे हैं v बाई b और इसमें a का कोई टर्म नहीं आ रहा क्योंकि इस बड़े वाले सर्कल का रेडियस b है,
हम जो भी इंपल्स लगाएंगे उससे वेलोसिटी मिलेगा, तो इंपल्स का वैल्यू फिक्स है, तो ओमेगा का वैल्यू ए पर डिपेंड नहीं कर रहा। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं हो, यानी बिल्कुल स्मूथ सरफेस हो और हाइट जीरो पे लगाया जाए फोर्स, ये वाला फोर्स हाइट जीरो पे लगाए, तो फिर कोई भी एंगुलर इंपल्स जनरेट नहीं होगा। तो जब एंगुलर इंपल्स नहीं होगा, नो एंगुलर इंपल्स इज जनरेटेड, तो फिर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम भी नहीं होगा, यानी आई ओमेगा फाइनल जो होगा वो फिर जीरो हो जाएगा, क्योंकि एंगुलर इंपल्स जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा, यानी कि नो रोटेशन, नो रोटेशन। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे रोटेशन नहीं हो रहा तो उसका केवल ट्रांसलेशन मोशन होगा। तो लिखा है अगर म्यू इज़ इक्वल टू जीरो, एच इक्वल टू जीरो हो तो फिर ये विदाउट स्लिपिंग विद स्पीड वी, ऐसे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शन ठीक हो गए। आपको ये भी समझ में आ गया कि ये अटेम्प्ट कैसे करना है। जब भी इंपल्स का क्वेश्चन आ जाए तो इंपल्स को चेंज इन मोमेंटम के इक्वल कर दो और सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई करके एंगुलर इंपल्स कैलकुलेट करो और एंगुलर इंपल्स को चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के इक्वेट करके ओमेगा का वैल्यू निकाल सकते हो। एक और क्वेश्चन ऐसा रिसेंटली पूछा है, मैं इसको भी करता हूं। जैसे ये सवाल है, बिल्कुल सेम है, मतलब कंडीशन इसमें भी बिल्कुल सिमिलर है। ये एक डिस्क है या कॉइन है जिसके सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे, यहां पे हम एक इंपल्स लगा रहे, इंपल्स को मैं जे मान लेता हूं। तो इंपल्स लगाने से सेंटर ऑफ मास को वेलोसिटी मिलेगी और सेंटर से डिस्टेंस मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगुलर इंपल्स प्रोवाइड करने से चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होगा। तो फिर से दो ही इक्वेशन बनाएंगे, अ थिन सर्कुलर कॉइन ऑफ रेडियस 5 ग्राम, रेडियस इतना एंड मास 5 ग्राम इज इनिशियली horizontal xy plane, the coin is tossed vertically upward by applying an impulse of इतना। तो हमने impulse j का value लिखा है root pi by 2 into 10 का power minus 2, और हमको पता है impulse equal to change in momentum करेंगे क्योंकि initial velocity 0 है, इसलिए change in velocity, ये VCM है। तो हमारा ये जो v वेलोसिटी है, ये सेंटर का वेलोसिटी v आ जाएगा और इसका वेलोसिटी j by m से हम निकाल लेंगे। j का वैल्यू दिया है रूट पाई बाई 2 इंटू 10 रेस्ट पर माइनस 2 और मास का वैल्यू है 5 इंटू 10 रेस्ट पर माइनस 3। तो यहां पे कैंसिल करें तो माइनस 2 माइनस 3 हो गया, तो ये 10 का पावर माइनस 1 हो जाएगा ना, 5 बाई 10 हो जाएगा। इसको भी कैंसिल करें तो यहां नीचे 2 आ जाएगा, वो ऊपर हो जाएगा, तो 2 रूट पाई बाई 2 हो गया, विच इज रूट 2 पाई मीटर पर सेकेंड। ऐसा वेलोसिटी हमको पता चल गया इंपल्स के फॉर्मूले से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि अगर तुमने सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे इंपल्स दिया तो इसका एंगुलर इंपल्स भी निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन हुआ कि अगर किसी डिस्क पे सेंटर से कुछ एक्स डिस्टेंस पे ऐसे जे इंपल्स दोगे तो हम जे को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको आईसीएम ओमेगा माइनस जीरो कर देंगे, इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, तो जे को हमने जे लिखा, एक्स को इस सवाल में वैल्यू आर बाई 2 है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 4 है, इनटू ओमेगा कर दिया। इससे ओमेगा का वैल्यू ये आर बाई 2 कैंसिल करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 जे बाई एम आर। तो j बाई एम का वैल्यू अभी अभी हमने कैलकुलेट कर दिया है, j बाई एम को हमने लिखा था रूट 2 पाई, तो यहां पे j बाई एम की जगह 2 और रूट 2 पाई लिख दिया और रेडियस की जगह 4 बाई 3 इंटू 10 रेस्ट पर माइनस 2, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे तो ये माइनस 2 पर जाके प्लस 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, यहां पे नीचे 2 हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 300 रूट 2 पाई डिवाइडेड बाई 2, यानी 150 रूट 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, ऐसा ओमेगा आ गया। अब मुझे दो चीजें पता चल गई बच्चों डिस्क में, एक इसका वेलोसिटी और एक इसका घूमने का एंगुलर स्पीड, और ऐसे डायमीटर के अबाउट घूमता हुआ, जैसे कॉइन को उछालते डायमीटर के अबाउट ऐसे घूमता हुआ ऊपर जाएगा फिर रुकेगा फिर नीचे आएगा। लेकिन अगर वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया है ये कॉइन तो ये ऊपर जाके और फिर रुक के नीचे आएगा, तो इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट हम डायरेक्टली
1D के इक्वेशन से निकाल सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू 2v/g हो जाएगा। और कितने रोटेशन लेगा, क्योंकि आपको पता है एक रोटेशन में 2π एंगल घूमता है, तो अगर हम बोल दें n रेवोल्यूशन हुए, तो n रेवोल्यूशन में जो एंगल थीटा घूमेगा वो 2nπ घूमेगा। लेकिन एंगल थीटा को तो ओमेगा इंटू टाइम से निकाल सकते हैं, क्योंकि एक बार घूमने लगा तो फिर इस पर टॉर्क नहीं लगेगा, सारे फोर्स mg वाले सेंटर से पास कर रहे हैं, तो सेंटर के अबाउट यानी डायमीटर के अबाउट कोई टॉर्क नहीं है, तो टॉर्क नहीं तो ओमेगा कांस्टेंट रहेगा। 2nπ को ओमेगा टी, ओमेगा का वैल्यू 150√2π और इसका वैल्यू 2√2π/g कर दिया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके n का वैल्यू निकालना है, तो √2π√2π मिलके 2π हो गया, और 10 से 10 कैंसिल कर दिया, 15×2 हो गया, n का वैल्यू 30 आ गया, यानी कि ये कॉइन ऐसे जाके ऊपर जाके नीचे आने में 30 टाइम्स घूमेगा। अगर केवल ऊपर जाते हुए पूछे उसका आधा कर दो, क्योंकि टाइम आधा हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 30 आ गया, 30, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इस सवाल में एक डिस्क फिक्स है, ऐसे प्लेट फिक्स है, और दूसरे प्लेट को फिक्स्ड प्लेट के ऊपर सरफेस पे घुमा रहे हैं। अगर घुमा रहे हो नीचे वाला फिक्स्ड है तो ये वाला पॉइंट भी फिक्स्ड है, लेकिन बोल रहा है कि अगर हम इस नीचे वाले डिस्क के सेंटर से देखें, अगर नीचे वाले डिस्क के सेंटर से देखें तो इस सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस 2r है, और ये वाला लाइन यानी सेंटर से लेकर ऊपर वाले डिस्क के सेंटर वाला लाइन ओमेगा से घूम रहा है। तो अगर ये वाली सिचुएशन के हिसाब से बोले और कोई पॉइंट यहां पे फिक्स हो और रॉड ओमेगा से घूमे, जबकि रॉड का लेंथ 2r हो, तो इस पॉइंट का विच इज सेंटर ऑफ ऊपर वाला डिस्क, तो डिस्क बी के सेंटर का वेलोसिटी हो जाएगा vb=2r ओमेगा। तो हमने क्योंकि ओमेगा सी पॉइंट के रिस्पेक्ट में दिया था, इसलिए ओमेगा सी पॉइंट से रेडियल डिस्टेंस लेके मल्टीप्लाई करा, तो हमको ये परपेंडिकुलर यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क आ गया। अब ऊपर वाले डिस्क बी को फिर से देखो, इसका सेंटर ऑफ मास 2r ओमेगा से घूम रहा है, लेकिन इसका खुद का रेडियस r ही है, तो ये डिस्क खुद इसके अबाउट किसी ओमेगा 1 एंगुलर स्पीड से घूम रहा है। देखो ये वाला जो वेलोसिटी दिया है वो यहां से देखने पर ये जो रेडियल डिस्टेंस है ये ओमेगा से घूम रहा है, लेकिन ऊपर वाला डिस्क अपने सेंटर के अबाउट किसी ओमेगा 1 से घूम रहा है, तो हम v=r ओमेगा 1 कर देंगे, क्योंकि रोलिंग की कंडीशन यही है कि रोलिंग के समय कॉन्टैक्ट पॉइंट रेस्ट में रहता है, तो v=r ओमेगा 1 वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू r ओमेगा 1 कर दे, तो यहां पे वेलोसिटी का आंसर आ रहा था 2r ओमेगा इज इक्वल टू r ओमेगा 1, तो ओमेगा 1 का वैल्यू आया 2 ओमेगा। इससे हमें ये पता चला कि ये डिस्क अपने सेंटर के अबाउट 2 ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, मतलब डिस्क 2 ओमेगा से घूम रहा है और 2r ओमेगा से आगे चल रहा है। अब केवल b को देखो और a पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे, तो ए पॉइंट यहां पे है जिसके सेंटर से 2r डिस्टेंस पे है और इसका वेलोसिटी 2r ओमेगा से चल रहा है, जिसको हम VCM भी कह सकते हैं, और ये खुद अपने सेंटर के अबाउट ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2 ओमेगा से घूम रहा है। एंगुलर मोमेंटम का किसी भी पॉइंट ए के अबाउट फॉर्मूला होता है r क्रॉस MVCM प्लस ICM ओमेगा। r यानी ये वाला डिस्टेंस फ्रॉम ए और VCM, दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो हम केवल मैग्नीट्यूड निकालेंगे अगर, तो R क्रॉस MVCM में यहां लिख देंगे 2R और MVCM की जगह लिख देंगे 2R ओमेगा प्लस ये डिस्क है, इसलिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 और ओमेगा 1 का वैल्यू है 2 ओमेगा लिख दिया, तो सारा सॉल्व करने से आंसर 5 mr² ओमेगा आ गया। क्वेश्चन बोल रहा है अगर एंगुलर मोमेंटम n mr ओमेगा स्क्वायर ओमेगा हो तो n का वैल्यू क्या होगा, कंपैरिजन से 5 आ गया। क्वेश्चन देख लो, हमको पूछा है वैल्यू ऑफ n बताओ और ऑप्शन b 5 दिया है,
तो आपको क्या करना था, जो वैल्यूज दिए हैं उसके टर्म्स में एक VCM का वैल्यू निकालना है और उसके सेंटर के अबाउट जो घूमने का ओमेगा वो निकालना है। इस सवाल में इस डिस्क का ओमेगा नहीं दिया है, इसके सेंटर ऑफ मास का ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में ओमेगा दिया है। तो किसी भी पॉइंट का ओमेगा पूछा जाए तो आप वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे करो। ठीक, नेक्स्ट इज, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत रीसेंट आया 22 में। एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो एक डिस्क है जो स्टार्ट्स रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगर कोई डिस्क हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोल करना स्टार्ट करे और उसके नीचे जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है वो थोड़ी देर तक घूमता रहे अल्फा तक, तो वो घूम के कहीं और आ जाएगा। बोल रहा है अल्फा से घूम रहा है और एक स्मॉल स्टोन इसके नीचे में स्टक कर गया है। फिर लिखा है t is equal to zero, it is at a contact point of the disc and the plane। यहां पे नीचे है ये point P। फिर बोला थोड़ी देर के बाद, यानी later at time t, the stone detaches itself। तो जब detach करेगा तब तक time बीत चुका है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये disc भी theta angle घूम गया होगा, तो ये P वाला point खिसक के theta angle पे आ गया। तो theta का value अगर हम acceleration से निकाले, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो सेकेंड इक्वेशन लगा सकते हैं हाफ अल्फा टी स्क्वायर, टी की जगह लिखा है रूट पाई सेकेंड, तो उसको पाई लिख दिया, रूट हटा दिया, थीटा का वैल्यू आ गया पाई बाई 3 रेडियन, यानी 60 डिग्री आ गया। तो यहां 60 डिग्री पे जब पार्टिकल पहुंचेगा तो सेंटर से वो आर कॉस थीटा यानी आर बाई 2 डिस्टेंस नीचे होगा और बेस से आर बाई 2 डिस्टेंस ऊपर होगा। रेडियस ऑफ द डिस्क दिया है 1 मीटर। इससे मुझे यह पता चला कि जिस समय यह पार्टिकल ने डिटैच होने का स्टार्ट किया है मोशन, तब यहां एंगल 60 डिग्री बन रहा है और वो अपने बेस से ऑलरेडी 1/2 मीटर ऊपर आ गया है। लेकिन इस समय जो वेलोसिटी है उसको हम आर ओमेगा लिख देंगे और ओमेगा को अल्फा टी लिख देंगे, तो वेलोसिटी का वैल्यू आर ओमेगा यानी आर अल्फा टी हो जाएगा। अब मैं वैल्यू रख देता हूं, आर की जगह 1 लिख दिया, अल्फा की जगह 2/3 लिख दिया और टाइम की जगह रूट पाई लिख दिया, ये वेलोसिटी आ गया। इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लेते हैं, अगर ये 60 है तो ये 60 है, तो यहां पे तो इस वेलोसिटी का यहां पे एंगल 60 हो जाएगा, तो इस वेलोसिटी का एक कॉम्पोनेंट वी कॉस 60 हो जाएगा और दूसरा कंपोनेंट v sin 60 हो जाएगा। तो आप इसके आगे का मोशन तो प्रोजेक्टाइल मोशन बोल देंगे, मतलब आप बोलेंगे एक पार्टिकल को इसका मतलब है v sin 60, इतने वेलोसिटी से हम ऊपर फेंक रहे हैं। जब किसी पार्टिकल को ऊपर फेंकते हैं तो उसकी मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा / 2g, क्योंकि ये v sin थीटा से फेंक रहे हैं तो ये मैक्सिमम हाइट हो जाएगा। लेकिन ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट निकालेंगे तो आधा मीटर और ऐड कर देंगे, तो हम लोग टोटल हाइट ले तो 1/2 मीटर प्लस अब ये वाला वैल्यू, तो हमारे को v का वैल्यू आ चुका है 2/3 pi, तो v 2√π/3 इसका स्क्वायर, साइन थीटा साइन 60 है तो √3/2 इसका स्क्वायर अपॉन 2g, g का वैल्यू लिख देते हैं 10। तो इसको थोड़ा सॉल्व करें तो आ रहा है 1/2 प्लस 4π/9 इंटू 3/4 और यहां लिख दिया 20। तो ये 4 से 3 कैंसिल करा, यहां 3 बचेगा, 4 से 4 कैंसिल, मतलब 9 से 3 कैंसिल करा, 3 बचा, तो हमारा जवाब आया 1/2 प्लस π/60। जबकि क्वेश्चन में बोल रहा है ये आंसर 1/2 प्लस x/10 है, तो x का वैल्यू बताओ, तो 1/2 से 1/2 हटा दिया और 10 से ये 6 हटा, 0 हटाया, तो x का वैल्यू आया π/6। अब क्वेश्चन में बोला कि 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर चाहिए, पाई की जगह हमने लिख दिया 3.14 और डिवाइड बाय 6 किया तो x का वैल्यू 0.523। तो x का वैल्यू आया 0.523, लेकिन 2 प्लेस तक ही पूछा है इसलिए आगे के नंबर हमने हटा दिए, तो हमारा जवाब 0.52 आ गया। तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं,
क्वेश्चंस में ज्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं होता, बस आपको मेन मेन फॉर्मूले पकड़ने हैं। तो जैसे रोटेशन एक बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, तो आप अलग अगर इसको दो तीन पार्ट में ब्रेक करके चैप्टर को देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अलग पढ़ो, टॉर्क वाले सिचुएशंस को अलग से करो और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के क्वेश्चंस अलग से देखो, तो ये तीन पार्ट में अलग अलग सॉल्व करो, तो एक पार्ट इजी जरूर आपको मिल जाएगा वहां पे पेपर में। एक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं रोटेशन के, इसलिए तो कम से कम एक पार्ट आप आसानी से कर पाओगे। हो सकता है एक पेपर एक डिफिकल्ट हो तो वो थोड़ा लेट बाद में, जब सारे इजी क्वेश्चंस कर ले उसके बाद। तो हमेशा देखना एडवांस के पेपर में आपको पहले इजी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने यानी सॉल्व कर देने, और फिर डिफिकल्ट सवालों में जो लंबे लेंथी क्वेश्चंस हैं उनमें जाना है। तो ये तो होगी स्ट्रेटजी। आज जेई मेंस का भी रिजल्ट आ गया है, तो जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है उनको मेरी तरफ से कांग्रेचुलेशन। जिनका रिजल्ट थोड़ा कम आ गया है, उनको ऐसा लग रहा है कि हम एडवांस के लिए क्वालिफाई तो कर गए लेकिन अभी रैंक उतनी अच्छी नहीं आई है जिससे मेंस में कॉलेज मिले, तो याद रखिएगा एडवांस और मेंस के पेपर बिल्कुल अलग होते हैं। एडवांस में बहुत कॉन्सेप्चुअल गहराई के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला भूल जाने का खतरा यहां पे कम होता है। इसलिए आप अगर गहराई सॉल्व करना जानते हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो एडवांस को जरूर सीरियसली लीजिए और पूरी ताकत से देखिए दीजिए, क्योंकि मैंने बहुत पीछे वाले रैंक्स को इंप्रूव होके बहुत अच्छे रैंक्स में कन्वर्ट होते हुए एडवांस में देखा है। ऑल द बेस्ट टू यू, फिर मिलेंगे कल डे 6 में। राजन सर दूसरा चैप्टर लेके आपके लिए आएंगे। थैंक यू।